शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। आज तक आपने हमें जो भी बख्शा उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हो गई हो तो छोटा बच्चा समझ के माफ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हमें बख्शो गुरु जी, अपनी रहमत भरा हाथ हमारे सिर पे रखो गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। आप सभी को प्रणाम। गुरु जी की आई हुई प्यारी प्यारी संगत, आपका वेलकम। और गुरु जी का तो हमेशा ही शुक्राना, अनकाउंटेबल थैंक्स। हमेशा ऑक्सीजन के लिए बोलते रहिए, करते रहिए, क्योंकि इस टाइम बहुत सारे संगत को, बहुत सारे लोगों को गुरु जी महाराज लाइफ ब्लेस कर रहे हैं। बहुत शुक्राना मेरे मालिक का। कुछ पॉजिटिविटी किरणें नजर आ रही हैं, कुछ अच्छी अच्छी न्यूज सुनने में आ रही हैं, लोग ठीक होके जा रहे हैं, जैसे टाइम पीरियड थोड़ा थोड़ा निकल रहा है। तो हम कोशिश कर रहे हैं हम उस पॉजिटिव ऑरे को फील करें, और डेफिनेटली हम फील कर पा रहे हैं, क्योंकि कुछ भी फ्यूचर नहीं है, इस टाइम जो भी है वो सब प्रेजेंट है। तो सुबह भी आज गुरुजी महाराज की कृपा से मंत्र जाप हुआ, और उसमें भी गुरुजी महाराज ने हमें शब्द सुनाया, साईं के ऊपर सुनाया, क्योंकि आज वीरवार था। पता नहीं कैसे मन आया कि आज साईं बाबा से भी कुछ फरियाद कर लें। तो कोशिश है हर भगवान को, हम कहते ना इस टाइम बस कौन सा रब कहां कैसे सुन रहा है। और बहुत सारे लोग ठीक हो रहे हैं, मेरे मालिक का ये शुक्राना है। और उसमें हम कोशिश करते हैं, एक ऐप से ना, मुझे नहीं पता था वो कैसे चलती है, आई एम नॉट टू मच एडवांस इन डिजिटल, पता नहीं कैसे उंगली दबवा दी गुरुजी ने, और उसमें ऐसे लगता है जैसे मेरो बरा ना वर्षा हो रही है, कुछ बबल्स आते हैं सुंदर सुंदर, जैसे आसमान से कुछ आ रही हो ब्लेसिंग्स, मुझे ये लगता है। तो आप सब भी इंजॉय करिए उन ब्लेसिंग्स को, रिसीव करिए उन ब्लेसिंग्स को, और मंत्र जाप के साथ जुड़िए। सुबह होता है वो 12 बजे, सर्वत का भला मेरे पेज से आप फेसबुक पर देख सकते हैं, और उस पेज से जुड़िए ताकि आप सिमरन से जुड़ सकें। और अभी जैसे कि ये भजन था, बार बार गुनगुनाने को मन करा था, हालांकि 2 लाइन्स थी, बट था कि सबको मैसेज मिले कि आप जहां हमें लेके जा रहे हो हमें वहीं पे सब दिशाएं मिल रही हैं, और वहीं हम आपके आगे एक समर्पण कर रहे हैं। इस टाइम कोई भी इंसान कुछ नहीं कर पा रहा, कोई कहते ना पैसा कुछ नहीं कर पा रहा, जिसके पास नहीं है वो तो बेचारा वैसे ही गरीब इंसान मर रहा है इस टाइम। और गुरु जी महाराज की वो ब्लेसिंग्स हम लोगों तक अगर पहुंच रही है, ऑक्सीजन हम फील कर पा रहे हैं। बहुत सारी संगत का मैसेज आ रहा था कि हम लोग ऑलरेडी कोविड पॉजिटिव हैं और आपके सत्संग सुन रहे हैं, तो मेरे रब की रहमत मुझ पर जो उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया। और बहुत शुक्राना हाथ जोड़ के गुरु जी का, पहले आप सभी संगत का भी साथ में, क्योंकि माध्यम उन्होंने बनाया और बूंद बूंद कैसे वो घड़े भर रहे हैं। कल 7 तारीख है, और सच बताऊं हर 7th को मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरे लिए एक मेरे घर में शादी है, क्योंकि वो एक्साइटमेंट आप मुझ में फील भी कर सकते हैं। और गुरु जी महाराज, मतलब हालांकि सब मुझे मना कर रहे थे, घर में भी सब बोल रहे थे कि कुछ शॉर्ट कर लो, बाद में कर लेना, अगले महीने डबल कर लेना, मैंने कहा नहीं। जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बींग सन रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे हो, मैंने हस्बैंड से बात की, क्योंकि मम्मी है हॉस्पिटलाइज है, और मैंने कहा आप डेली जा रहे हो हॉस्पिटल में, आपको आपके फर्ज से नहीं रोक सकती, क्योंकि इस टाइम आपकी जरूरत उनको सबसे ज्यादा है। कहते ना वो छाती पे बॉम्ब बांध रखे हैं और फिर भी डेली जाते हैं हॉस्पिटल, जाना है, चारों तरफ कोविड पेशेंट्स आ रहे होते हैं, बस गुरुजी का हाथ पकड़ा के उनको भेज देते हो, गुरुजी आप साथ चले जाना, क्योंकि कहते ना फेथ हैज नो फियर। तो अदरवाइज जब मम्मा एडमिट नहीं थी, उससे पहले यही डिस्कशन हो रहा था घर में कि बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकलना। तो चलती तो उनकी है, हमारी नहीं चलती, कैसे वो बना साधन मुझे नहीं पता, और कैसे गुरुजी महाराज उनको हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं, डेली वो जाते हैं, और बस रक्षक यही बैठे हैं, इन्हीं के ऊपर भरोसा। और 1% भी, कण भर भी मुझे कहीं डर नहीं है, क्योंकि ये बैठे हैं, इनको सब पता है क्या करना है कैसे करना है। सो ट्रस्ट ऑन हिम, इस टाइम डरो नहीं। बहुत सारी संगत डर रही थी, रोते रोते मैसेज आ रहे थे हमें कोविड हो गया। अगर हो गया तो आप ठीक भी हो सकते हैं, अपने आप को पॉजिटिव रखिए। हो सकता है आपका कोई बड़ा कष्ट था, कहते ना मरना है तो अगर एक बार अटैक होके मर जाते, बट कोविड होके है कि आपको रिकवरी का टाइम मिल रहा है, इट मींस लाइफ इज देयर। तो होप रखिए हर चीज की। होप एक ऐसी चीज होती है जो आप लाइफ में दोबारा रीबर्थ के साथ जी सकते हैं। और जिन जिन को लाइफ मिल चुकी है, जो जो कोविड से रिकवर कर चुके हैं, प्लीज अपनी लाइफ को ना, कहते हैं, दूसरों के लिए लगा दो, इस टाइम सेवा में लगा दो अपनी लाइफ को। जो भी रिकवर कर चुके हैं, आप एक वीडियो शूट कीजिए, जो भी आपका अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस था आप उसको शूट करिए, और संगत के साथ भी शेयर करिए। ये आपकी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उनको हिम्मत दीजिए। एक होता ना कि रेसलिंग हो रही है और हम उसमें बकअप कर रहे हैं, यस यू कैन डू, यू कैन डू, तो वो बकअप वाला काम आपको करना है, क्योंकि जो स्थिति से निकलता है ना, वो छोटी छोटी चीजें वो शेयर कर सकते हैं, हो सकता है किसी कोविड पेशेंट तक पहुंचे। और यही छोटी सी कोशिश मैंने की थी जब मैं सिलेंडर लेने गई थी, और बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, इधर मिल रहा है, उधर मिल रहा है, तो मेरा
मेरा यही था फर्ज उस टाइम कि अगर मैं परेशान हो रही हूं तो और लोग ना हो। तो सेम चीज आपके ऊपर भी होती है, आप जो भी फील कर रहे हैं, ब्लेस्ड फील करें तो प्लीज अपनी ब्लेसिंग्स को शेयर करें, चारों तरफ पॉजिटिविटी फैलाएं, ब्लेसिंग्स के भरे होप से भरे हुए अपने मैसेजेस भेजिए, कोई भगवान की अच्छी अच्छी स्टोरीज भेजिए। और डेफिनेटली मेरे पास तो गुरुजी महाराज की कृपा से बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज आ रही हैं। एक चीज के लिए मैं हाथ जोड़ के माफी मांगूंगी, प्लीज मुझे कोई भी फालतू की इमेजेस मत भेजिए, गुड मॉर्निंग जय गुरुजी मत भेजिए अभी, क्योंकि मेरा फोन टोटली हैंग हो चुका है। कोई अर्जेंट बात हो तो प्लीज आप मुझे तब ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज दीजिए, लेकिन अर्जेंट हो तो प्लीज भेजिएगा, क्योंकि मेरा व्हाट्सएप इस टाइम टोटली बार बार मैसेजेस आने से हैंग ऑन हो रहा है और मुझे दिक्कत हो रही है। इनफैक्ट मैंने सोचा था एक नया नंबर मेरे पास रखा हुआ है, मैं वो नंबर डाल दूंगी इमेज में, मैं अपना ये वाला नंबर नहीं डालूंगी, क्योंकि मुझे मैसेजेस भी बनाने थे सेवा से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे लोगों को राशन सप्लाई करना है उनके आधार कार्ड के बेसिस पे या कोई भी आईडी प्रूफ के बेसिस पे, तो मुझे लगा मैं अपना नंबर ना डालूं फिर वही थोड़ा सा और स्टक होने वाला सीन रहेगा। बट गुरुजी चाहते हैं मेरा नंबर डले, मैं क्या करूं, मेरी नहीं चलती, चलती सिर्फ इनकी है। कल मैंने वो फोन स्टार्ट किया, मैंने वो नंबर एक्टिव किया, रिचार्ज किया, कल हो गया, रात तक मैंने मैसेज बनाया, एवरीथिंग वॉज फाइन। जब सुबह मैं उठ के उसको करने लगी तो पता नहीं क्या दिमाग में आया कि चल मैं एक बार फोन ना नंबर अपने उस पर व्हाट्सअप करती हूँ, क्योंकि मुझे नंबर तो याद नहीं था। आप मानो वो फोन ही गुरुजी ने ऑफ कर दिया, मैंने बहुत ट्राई की वो फोन ही ऑन नहीं हुआ। मैं और वो पता है कब ऑन हो जाएगा, वो 8th को ऑन हो जाएगा। ऐसे ही हैं हमारे गुरुजी, जो काम इन्होंने हमसे कराना होता है ना वो यूं हो जाता है, और जो काम इन्होंने नहीं कराना होता ना वो नहीं होता। तो मैंने यही मन में सोचा, मैंने कहा गुरुजी आप चाहते हो कि मेरा नंबर जाए, और नंबर तो मेरा वैसे ही पब्लिक नंबर हो चुका है और 20 साल पुराना नंबर है इनफैक्ट, और बहुत सारी संगत के साथ वो नंबर शेयर हो चुका है। कोई भी आप में से ऐसा हो जिसको राशन की जरूरत हो, मेरा नॉर्थ दिल्ली पड़ता है हंसराज कॉलेज के पास, आप वहां से राशन की किट रेडी हो चुकी है, वहां से कलेक्ट कर सकते हैं। और मैं महाराज का इतना मतलब तहे दिल से शुक्राना करूंगी, आप संगत का इतना मुझे साथ मिला, जो कहते ना एक सपना भी नहीं होता बियॉन्ड सपना, चाहे बूंद बूंद करके वो घड़ा इतना भर रहा है। और मतलब मैं क्या बोलूं, आज भी राशन के पैकेट्स आए हैं, एक शॉपकीपर से टाई अप किया था और वो शॉपकीपर भैया ने बहुत अच्छे से पैकिंग वगैरह करके दी है। 5 kg का आटे का बैग बना है और उसके साथ राइस है, चीनी है, दाल है, चने हैं, एक उसमें वो मसाले की किट रेडी हुई है जिसमें नमक मिर्च हल्दी है, साथ में रिफाइंड है, थोड़ा दलिया है, बिस्किट्स हैं, ब्रेड है, मतलब मैं क्या बोलूं, ऊपर वाले ने देने में कमी रखी ही नहीं। मैं तो खुद मतलब अपने आप को एक इतना ब्लेस्ड समझ रही हूं, इतना ब्लेस्ड कि गुरुजी महाराज ने मुझे इस काम के लिए सिलेक्ट किया। हालांकि कहते हैं ना वो बस इस टाइम हम लोग कोरोना वॉरियर्स हैं, आप घर बैठ के और मुझे इन्होंने फील्ड में रखा हुआ है, तो थोड़ा सा सब लोग बोलते हैं, मम्मा भी बोलती है, आई एम सो सॉरी मम्मा, मुझे मालूम है आप मेरी केयर करते हो, बट मेरी केयर अब उनके ऊपर छोड़ दो, क्योंकि जैसे अभी मैंने भजन सुनाया ना, जहां ले चलोगे वहां मैं चलूंगी। तो यही मेरी रोज गुरुजी से कन्वर्सेशन रहती है कि वाकई वो मुझे जहां लेके जाते हैं मुझे नहीं पता होता, कल तक भी मुझे नहीं पता था कि इतना सब कुछ मैनेज हो जाएगा, और अभी भी ऐसे हो रहा है कि बस वो बारिश करे चले जा रहे हैं कि पता नहीं अभी किसी और को करना है, क्योंकि हर चीज हम लोग 7 में लेते हैं, हर 7th को मंथली ये लंगर सेवा होती है, महाराज का हुक्म है 10वंत निकालने का, आप भी अपनी कमाई से 10वंत निकालें, जरूरी नहीं है कि मुझे दें। आप कहीं पे भी अपने आसपास देखिए, आपकी घर की मेड हो सकती है, आपके आसपास कोई ऐसे रेडी लगाता हो जो आपकी जान पहचान में हो, किसी से आप हेल्प ले सकते हैं, तो उन सबको आप सर्व करना शुरू करिए। जैसे आपके घर का राशन आ रहा है आप उनके घर का भी राशन मंगाएं, आपके घर में कोई चीज एक्स्ट्रा रखिए आप उनको वो चीज शेयर कर दें, छोटी छोटी सेवा के साथ प्लीज जुड़े। कोई जरूरी नहीं है कि आप मुझे दें, कहीं भी दें, आपको जो भी ऐसा दिखे ना, बस वो रब का बंदा है, आप लोग सेवा को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये मेरे ऊपर वाले की रहमत मुझ पर। बस यही कोशिश थी मीडिया पे आने की, यही मेरी कोशिश थी सेवा को लाने की, कि लोगों को पता लगे, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि सेवा ये भी होती है। कभी मैंने बंदरों को कुछ नहीं खिलाया था, गाय को तो लोग इसलिए देते थे क्योंकि पहले कहते थे गाय के अंदर वो देवी देवताओं का वास होता है, तो लोग गौ सेवा करते थे। मैं तो सच बताऊं मैंने कुछ भी नहीं किया था, कभी मैंने गाय की सेवा नहीं की, कभी मैंने किसी जीव की सेवा नहीं की थी, कभी चींटियों को भी खाना दे सकते हैं नहीं सोचा था, पक्षियों का तो लोग करते थे, और मतलब एक छोटी छोटी हर जीव की, हमारे घर के पास थोड़ा सा दूर पे सेल्फी बॉयज रहते हैं, सेल्फी बॉयज हमने उनका नाम रखा है, वैसे वो पिग्स हैं क्योंकि यूं होते हैं ना, तो हम उनको सेल्फी बॉयज बोलते हैं ताकि हमें उनको थोड़ा सा कहते ना रिस्पेक्ट देनी है। तो कहीं का भी खाना हो, किसी के पास कुछ सब्जी हो, आजकल सब्जियां घर में, तो हमारी आपस में सब गुरु संगत हम लोग अपने अपने घरों से पैकेट्स बना के उन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं।
और वो खाना आप मानो जो आप थ्रो करते हो कहीं लगता ना कि किसी के काम आ रहा है, तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग मुझे वहां लगती है आप किसी भी चीज को वेस्ट नहीं करिए, वो किसी ना किसी जीव के काम जरूर आएगा। बहुत से लोग डस्टबिन में डाल देते हैं, अपने खाने पीने के चीजों का एक पैकेट अलग बनाए। आपके घर के आसपास कोई ऐसा हो सकता है, थोड़ा सा डॉग्स वगैरह घूम रहे हैं तो प्लीज उनको सर्व करिए। आप छोटी छोटी एक हर जीव के लिए अपना सॉफ्ट कॉर्नर लेके चलिए, जितनी भी आपकी पॉकेट अलाउ करती है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपने 100 लोगों को खाना खिलाना है, आप नहीं खिला पाओगे, लेकिन एक 2 रुपए का बिस्किट का पैकेट आपके उन 100 चींटियों को खाना अगर दे रहा है, दैट इज इक्विवेलेंट। आप अपने घर के आसपास जो भी पेड़ पौधे हैं उसको चूरा करके वहां डालिए, आप खुद देखेंगे चींटी 1 मिनट में लेके चली जाएगी। सो छोटी छोटी चीजें हैं, आप कनेक्ट होइए, बस पर्पस वही है कि कहीं स्टार्ट हो जाओ, क्योंकि रब ने अगर हमें जीवन दिया है तो इसीलिए दिया है कि हम किसी के लिए कुछ कर सकें। आज गुरुजी की इतनी हम पर ब्लेसिंग्स है, नहीं तो दुनिया मर रही है और हम इतने मजे से अपने घर में बैठ के अपना नेट ऑन कर रहे हैं, फोन ऑन कर रहे हैं। जस्ट से थैंक यू टू एवरीवन, हर एक चीज का शुक्राना कीजिए, हर उस रब का शुक्राना कीजिए जिसकी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। और उस दिन मैं देख रही थी होली फैमिली हॉस्पिटल में है जैसे मम्मा, तो वहां चर्च है, तो जिस दिन गए थे फर्स्ट डे, तो वहां पे जीसस मैरी को ही वहां पे प्रेयर की। तो हमें ये नहीं देखना कि हम तो ऐसे हैं, हम गुरुजी वाले हैं, हम हिंदू हैं, कुछ भी नहीं। आपको नहीं पता कौन सा रब कहाँ खड़ा हो जाएगा, कोई अल्लाह को मानता है, आजकल रोजे चल रहे हैं, और आप किसी कहते ना अपना अगर नहीं हम कुछ कर पा रहे, हम किसी व्रत वाले को, वैसे तो गुरुजी महाराज व्रत के खिलाफ हैं, व्रत कहते हैं कभी मत रखा करो, शिवरात्रि पे लोग व्रत रखते हैं, गुरुजी महाराज हमेशा मना करते हैं कि आप व्रत ना रखें, क्योंकि नॉर्मली किसी की शादी होती है तो आप पार्टी मनाते हो, और जब भोले की शादी होती है तो आप लोग भूखे रहते हो। तो गुरुजी महाराज ने सोमवार के व्रत, वीरवार के व्रत, ये सब मना कर रखे हैं, मत करिए, लेकिन स्टिल लोग अपने वहमों में रहते हैं। कोई भी भगवान, अगर आपके आज बच्चे भूखे हैं, लॉजिकली बात सोचिए, अगर आज आपके बच्चे भूखे हैं तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो सेम गुरुजी के बच्चे अगर भूखे रहते हैं ना तो उनको भी अच्छा नहीं लगता। तो वहमों से बाहर निकलिए। इवन मैं कोई व्रत नहीं बहुत ज्यादा रखती थी और अभी भी खैर नहीं रखती हूँ, तो थोड़े से हमें जो चीजें गुरुजी ने सिखाई, हमें कहीं कहीं से मैसेज मिलते हैं, उन मैसेजेस पे चलिए और बस सिर्फ और सिर्फ प्यार करिए। अभी भी थोड़ी देर पहले एक आंटी का फोन आया मेरे पास कि आंटी पता नहीं कैसे बच्चों के हाथ से स्वरूप टूट गया, उसका कांच टूट गया, मैं कुछ गलत तो नहीं हो गया। हम लोग ना वहमों से जुड़े होते हैं, तो मैंने यही बोला, मैंने कहा आंटी को बच्चे का कष्ट था, गुरुजी महाराज ने अपने ऊपर ले लिया। जस्ट से थैंक यू, शुक्राना कीजिए, क्योंकि गुरुजी अपने बच्चों को कहते ना नुकसान में नहीं डाल सकते, वो अपने ऊपर ले लेते हैं। बहुत बार मेरे साथ भी हुआ, कहीं सत्संग शुरू होने वाला होता था, स्वरूप का कांच चटक जाता था, सामने वाले को पहले हमारे साथ ये होता था कि हम वहम करते थे, अरे अच्छा काम हो रहा है, ये हो गया वो हो गया। फिर एक बार तो ये भी हुआ कि जोत जगानी थी, क्योंकि गुरुजी की कृपा से हमारे यहाँ हर महीने सत्संग गुरुजी महाराज कराते हैं, और सच बताऊं मतलब मैं ये नहीं कि अपनी प्रेस कर रही हूँ, मुझे तो लगता है मुझे इतनी ब्लेसिंग्स मिली हुई है, दरबार लगवाते हैं गुरुजी, सब कुछ A to Z सब चीजें कराते हैं, तो जो भी जोत जगाता है, भोग लगाता है, मुझे लगता ही नहीं कि वो सब काम मैं करूं, तो मैं वाला फैक्टर उन्होंने हटा दिया बिल्कुल, इन्होंने हटाया, मैंने नहीं हटाया। और उसमें भी एक बार लगा कि एक आंटी आई थी, तो हुक्म यही हुआ कि चलो इनसे जोत जगवा लो, तो उनको बोला आंटी जोत जगाओ। अब गुरुजी है ना, उनको जो करवाना है वो करवाना है, उन्होंने एक बार दो बार जोत जगाई और मानो जगा के छोड़ दी, उसके बाद सत्संग शुरू हो गया। 5 मिनट बाद अब मानो जोत शांत हो गई, फिर सब बैठे हुए थे, सेटल डाउन थे, तो जोत मुझे ही जगानी पड़ी। तो मैंने गुरुजी की तरफ हंस के स्माइल पास करके देखा, मैंने कहा गुरुजी वाह, आपने आज जोत भी जगवा ली। तो मालिक है, सब जानते हैं, हमसे सब करवाते हैं, हमें नहीं पता कि हमारी लाइफ को वो क्या मोड़ दे रहे हैं, हमें कहाँ लेके जा रहे हैं। और अनंतम शुक्राना, स्पेशल थैंक्स टू गुरुजी फॉर ऑक्सीजन, ये लिखना मत भूलिए, आपकी हाजिरी हमेशा रोज लगनी होती है। आप वेट करते हो, मैं भी वेट करती हूँ 3:30 की, और कल थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, आगे मेरे मालिक की रहमत अगर मैं तब तक फ्री हो गई, जरूर आपसे आके एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगी। कल 7 तारीख है, मेरी जिंदगी का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट दिन होता है हर 7th। उस दिन पता नहीं अलग सी ही मेरी, मतलब मुझे लगता है कि एक मेरी एनर्जी और पता नहीं क्या क्या होता है कि उस दिन एक तो मैं पूरा दिन काम में गुरुजी महाराज मुझे रखते हैं, सुबह से लेके रात के 10 बजे तक कई बारी, बट थकावट नहीं होती। वैसे मैं कोई काम कर लूं मुझे लगता था मैं थक जाती हूँ, बट सेवा वाले डे तो बिल्कुल नहीं, चाहे उसके अगले दिन मेरी बैंड बजी होती है, बट उस दिन ये पूरे A to Z काम कराते हैं और कोई शॉर्टकट काम नहीं होता। जितना भी मैं लाख कोशिश कर लूं कि मैं शॉर्ट करने की कोशिश करूं पर नहीं चलता, और चलते हुए जब मैं इनको बोलती हूँ ना गुरुजी आप साथ चलो, मैंने शेड्यूल में भी नहीं डाला होता, और आप यकीन मानना कई बार हम लोग अंध विद्यालय भी गए, कई बार कोई आया कि नहीं वहां जरूरत है वहां चल लो, चल भैया गाड़ी लेके तू चल,
तो ऐसे ऐसे वो डिस्ट्रीब्यूशन होके जाता था प्रशांत आपके आसपास। अभी तो कोविड की वजह से वो चीजें अभी चैनलाइज नहीं हो रही, अदरवाइज दिल्ली में आपके आसपास कोई ऐसा आश्रम हो जहां सेवा की जरूरत हो तो गुरुजी कुछ कुछ चलाते रहते हैं। बहुत जगह ऐसे हमें भेजा उन्होंने जहां जरूरत है, बहुत सारे लंगर की कह लो, राशन की कह लो, तो गुरुजी महाराज वो सेवा मल्टीप्लाई कर रहे हैं डेफिनेटली। और ऐसे ही इन्होंने एक लंगर सेवा का बना रखा है, उसमें कोई कहते ना मैनेजर नहीं है, कोई कैशियर नहीं है, सब कुछ गुरुजी महाराज है। मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ आंशिक भर, मैं भी उसमें कुछ नहीं हूँ, सिर्फ एक गुरुजी महाराज का मैंने पर्स में स्वरूप रखा हुआ है और गुरुजी को कहते गुरुजी आप देख लेना। यकीन मानना कोई ऐसा काम जो रुक जाता हो मुझे नहीं लगता, और वो सेवा हमेशा बढ़ती चली जाती है। इतना संगत का सहयोग आता है, धन से कह लो, इतने सेवादार आते हैं, तन से खड़े होते हैं, लाओ हमें बताओ क्या क्या काम है, और मन से तो आप सब सारे मेरे साथ ही हो। तो गुरुजी महाराज के हम सब पर इतनी असीम कृपा है, और बहुत सारे आंटी अंकल ने आपने सेवा भेजी, महाराज का शुक्राना, आप सबकी कमाई में बरकत हो। ये मत सोचना हमने कितना भेजा, वो मैटर नहीं करता, चाहे 100 है चाहे 1,00,000 है, देने वाले ने सिर्फ आपका भाव देखा कि आप सेवा में ज्वाइन करना चाह रहे हो। एक बूंद भी, जिसे कहते हैं ना, वो बूंद बूंद भी बहुत बड़ा समुद्र भर देती है। इस टाइम वही हिसाब किताब हो रहा है, और मैं बस इनका शुक्राना करते करते रह जाती हूँ कि मालिक मैं क्या बोलूं। और आज भी मेरी आंखों से ये आंसू निकल रहे थे, मैंने कहा गुरुजी मैंने नहीं सोचा था, क्योंकि सब तो मुझे मना कर रहे थे 7th को नहीं जाना, यू शुड बी सेफ और ये और वो, पर इस टाइम कुछ भी मन में नहीं आया। मैंने गुरुजी को ही बोला, मैंने कहा गुरुजी आप क्या करना चाहते हो मुझे सिर्फ वो बताना। तो अंदर से यही आई कि जब वो अपना फर्ज निभा रहा, तो मेरे हस्बैंड भी मना कर रहे थे, इनफैक्ट बेटी मना कर रही थी, तो मम्मा तो मना करती हैं कि अंदर ही रहना, तू ज्यादा नहीं निकलना। पर मैंने कहा मम्मा 7 तारीख को पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। जैसे कहते हैं ना, हमारे प्रति हमारी सब ड्यूटीज है, हमारी फैमिली के प्रति हमारी ड्यूटी है, तो मेरी भी एक ड्यूटी है गुरुजी के प्रति जो मैं नहीं छोड़ सकती, चाहकर भी नहीं छोड़ सकती, वो गुरुजी को पता है। तो मैं हमेशा कहती हूँ मैं यहां रहूं कहीं भी रहूं, बस वो 7th जो होता है ना मेरी लाइफ का एक स्पेशल डे है, हर महीने की 7th एक स्पेशल डे होता है मेरी जिंदगी का, जो मैं कभी भूल नहीं सकती। और ऐसी ऐसी संगत तक गुरुजी महाराज हमें पहुंचाते हैं, बस वो उनकी रहमत उनका करम। तो एक्चुअली मैं सेवा शुरू कहां से हुई, मैं आपसे वो जरूर शेयर करूंगी। सेवा का वर्ड मुझे कहते हैं ना बहुत छोटा सा है, इसका मीनिंग बहुत गहरा है। मुझे तो सेवा का सा भी नहीं पता था, सच बता रही हूँ, मैंने कभी इतना डेडिकेटली किया भी नहीं था। जब मैं बड़े मंदिर जाती थी ना, तो एक आंटी मुझे हमेशा गुरुजी की समाधि के बाहर दिखती थी, और मैं कभी सुबह जाती थी, कभी शाम जाती थी, कभी रात में जैसे लेट हो जाते थे, वो आंटी ना मुझे हमेशा वहीं दिखती थी। जब मैं गुरुजी से जुड़ी भी नहीं थी, स्टार्टिंग की बात बता रही हूँ जो मेरे मन में चलता था, तो मैं उन आंटी को हमेशा देखती थी, और अच्छी फैमिली की लगती थी रॉयल स्टेटस के हिसाब से। तो मैं ये सोचती थी कि इनको कमी तो कुछ होगी नहीं पैसों की, और यहां मतलब मैं अपने मन के विचार बता रही हूँ, सॉरी गुरुजी ऐसी हूं मैं। तो मैं कहती थी इनको यहाँ सैलरी तो मिलती नहीं होगी, फ्री में लगे हुए हैं वैसे तो क्या ही अपने काम धाम से घर से, क्योंकि हम तो एक दिन अपने घर से निकल जाए तो लगता है पूरा घर पुट्ठा हो गया। तो ये आंटी मतलब इतनी वेली है अपने घर से कि भाई ये सारा दिन आके यहाँ सेवा करती रहती है। तो मुझे नहीं पता था उन वेलों में से गुरुजी मुझे भी एक वेला बना देंगे, मेरे महाराज की बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत मेहर मुझ पर, जो उन वेलों में से भी एक वेला इन्होंने मुझे सिलेक्ट किया, क्योंकि हमें वो इम्पोर्टेंस भी ये खुद ही बताते हैं। जैसे 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 मुझे अपनी तरफ खींचते चले गए, बस यही लगा यार तू अपने लिए जिंदगी जी चुकी है, औरों के लिए जी। अंदर से मुझे लगता था कि अगर मैं किसी के लिए कुछ कर भी सकती हूँ तो मेरा क्या जा रहा है, वो भाव इन्होंने मुझे दिए। और जब मैं किसी भी नीडफुल को देखती हूँ, कहीं कोई परेशान दिखता है, मुझसे रहा नहीं जाता। आई यूज टू प्रे टू गुरुजी प्लीज ब्लेस कर दो, इसको बख्श दो। कोई एक्सीडेंट देखती थी कहीं रोड पे, गाड़ी पे, कहीं कुछ भी ऐसा हो रहा होता, मैं कहती थी गुरुजी बख्श दो, क्योंकि वो बख्शन हार है, हमारे कर्म ही होते हैं जो हमें बख्शवाने हैं एक्चुअली, और वही कर्मों के थ्रू गुरुजी महाराज हमें वो प्रेयर्स देते थे। शायद वो बच जाते थे, भगवान जाने उन तक कोई रब का बंदा हेल्प करने के लिए खड़ा हो जाता था, हमें नहीं पता। ऐसे ही एक गांव में ना दो किसान थे, तो एक किसान जो था वो थोड़ा सा हेल्पफुल था सबके लिए, एक किसान हमेशा अपने आप में रिजर्व रहता था। दोनों किसान के चांस की बात डेथ हो गई एक ही दिन। तो जब एक ही दिन डेथ हुई, वो ऊपर चले गए भगवान के पास, तो भगवान ने उसको एक किसान को पूछा कि बता तू अब अगला जन्म क्या चाहता है। तो ही सेड आपने मुझे दिया ही क्या था इस जन्म में, सारा दिन मैं खेती बाड़ी करता था, बैल चलाता था, खुद ही जानवर बन गया था, बच्चों को भी बस 2 वक्त की रोटी मिलती थी, कोई ऐशो आराम में उसको नहीं दे पाया, मुझे ऐसी जिंदगी मत देना। तो उन्होंने बोला अच्छा तुझे कैसी जिंदगी चाहिए, तो ही सेड कि मुझे ऐसी जिंदगी जीने देना जो मैं किसी को कुछ ना दूं और जो आए वो मुझे देता चला जाए।
चलो जी, भगवान ने उसकी भी सुन ली, उन्होंने कहा तथास्तु, क्योंकि हम जो बोलते हैं वो ऊपर वाला यूनिवर्स ना बाध्य होता है बोलने के लिए कि तथास्तु, कि जो हम मांग रहे हैं हमें वो मिलता है। तो सेम इसी तरीके से वो जो दूसरा वाला किसान था ना, जो भगवान को मानता था, उसने उससे पूछा भगवान ने कि बता तुझे क्या चाहिए, तो शुक्राना अनंतम लिखते जाना ऑक्सीजन के लिए। तो उसने बोला कि भगवान जी आपने मुझे सब कुछ दिया, आपने मुझे बहुत बहुत कुछ दिया, मेरे अच्छा परिवार दिया, मुझे खेती का साधन दिया, मुझे अच्छे बैल दिए जो मुझे कमा कमा के देते रहे, जिसको मैं जोतता रहा अपने खेतों के अंदर, बस ना एक कमी मुझे हमेशा लगती थी। उन्होंने कहा अच्छा वो क्या? कहते हैं मेरे घर के बाहर से अगर कोई मुझसे कुछ मांगने आता था ना तो मैं उसको दे नहीं पाता था, क्योंकि मेरी पॉकेट इतना मुझे अलाउ नहीं करती थी, मतलब मेरी पॉकेट लिमिटेड थी। तो अगर मुझसे कोई खाना मांगने आता था या कुछ भी मांगने आता था तो मैं उसको सर्व नहीं कर पाता था। तो आप, उन्होंने कहा कि अब क्या चाहता है? तो उन्होंने कहा मुझे अब ऐसा जीवन देना जो अगर मुझसे कुछ भी मांगने आए कोई तो मैं उसको हंस के दे सकूं, मैं इस काबिल बन सकूं। महाराज की वही इच्छा, उन्होंने वही बोला तथास्तु। अब दोनों का जब जन्म हुआ, किसानों का जब रीबर्थ हुआ, वो दोबारा उसी गांव में आए। अब उसी गांव में जिस किसान ने बोला कि मैं किसी को कुछ नहीं देना चाहता और लोग मुझे दें, और वो गांव का सबसे बड़ा बना भिखारी, कटोरा लेके बैठाया उसको कि जो आया तुझे बस वो दे रहा है दे रहा है दे रहा है, और उसको वहां का भिखारी बना दिया क्योंकि उसको देना पसंद नहीं था। अब जिस इंसान ने बोला कि हाँ मेरे दर से कोई भी भूखा ना जाए, कोई भी खाली ना जाए, उसको वहां का सबसे अमीर इंसान बना दिया, सबसे अमीर ठेकेदार बना वो। उसके दर पे जो भी कुछ मांगने आता था वो हंस के उनको देता था, उनका वेलकम करता था, उनको खाना देता था, और वो पूरे गांव में सबसे अमीर था। तो वो मालिक जो कहते हैं ना हमें सब कुछ देने वाले, सब कुछ कराने वाले, वो इच्छाएं हमारी ही जुड़ी होती हैं, कहीं ना कहीं हमने ही कुछ कुछ ऐसे बीज बो रखे होते हैं जो आज वो पेड़ बन के हमें फल दे रहे हैं। तो चाहे हमें सुख मिल रहा है चाहे हमें दुख मिल रहा है, हमें नहीं पता, वो सुख और दुख की परिभाषा हमें वहां मिलती है जब हम अपने कार्मिक अकाउंट को क्लियर करते हैं। तो बहुत जरूरी है अपने अकाउंट को क्लियर करना। जिन घरों में ज्यादा कर्जा है, जिन घरों में ज्यादा बीमारियां हैं, जिन घरों में ज्यादा कोर्ट कचहरियों के चक्कर हैं, प्लीज आप सेवा से जुड़े। ये एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू आप अपने कार्मिक अकाउंट को अच्छा कर सकते हो। और सच में बताऊं, मुझे तो मीडिया पे ले आए तो मुझे ओपन होना पड़ता है, और दो तीन अंकल आंटी का मैसेज भी आया कि आंटी आप ओपन सेवा करते हो, यश में आ जाते हो, आपको फल नहीं मिलेगा। तो मैंने गुरुजी को बोला, मैं कहा गुरुजी मुझे वैसे भी कुछ एक्सपेक्टेड नहीं है कि मुझे कोई फल चाहिए तो मैं कंडीशन पे सेवा करूं, आप मुझे एक माध्यम बना रहे हो, इतने बच्चे ब्लेस हो रहे हैं उनके हाथों से, आप इतनी खुशी से ब्लेसिंग्स दे रहे हो, हमारे बच्चे बीच में हैं, मैं अपने बच्चों को भी प्लेटफॉर्म पे लाना चाहूंगी जो मेरे साथ सेवा में जुड़े हुए थे, मैं आप सबसे एक दिन मिलवाऊंगी जरूर, अभी लॉकडाउन क्लियर हो जाए तो। इन बिटवीन हमारा एक बच्चा है, वो काफी हद तक मीडिया पे भी है, यूट्यूब पे उसने सेवा के नाम से चैनल भी बना रखा है, मैं आपको शेयर करूंगी। और उसमें वो कहीं भी जाता है तो वहां जैसे कोई जूते पॉलिश कर रहा है तो वो उसका इंटरव्यू लेता है, यूट्यूब पे डालता है, उसकी हेल्प करता है, उसकी जेब में जितने पैसे होते हैं वो उनको दे आता है। वो यही चीज की आंटी आपने हमें जीना सिखाया। तो मैं कहती हूँ मेरे मालिक का शुक्राना, उन्होंने मुझे दिया और वही लाइट मैं तुम लोगों को दे पा रही हूँ। तो आप तक भी अगर आप लोग मुझे इतना थैंक यू बोलते हो, इतना सब ब्लेसिंग्स भेजते हो, अगर आपको सच में लगता है कि आपने कुछ भी इतना कर्ण भर भी अगर मेरे माध्यम से सीखा और आप में से कोई एक भी सेवा से जुड़ गया जिसकी लाइफ चेंज हो गई, तो मैं कहती हूँ मेरे मालिक का शुक्राना भी इतने सत्संग शेयर करने का। ये मत करना कि बस हमने लॉकडाउन पे टाइम पास किया, आंटी आती थी बोलती थी एक घंटा सुना के चली जाती थी, वो काम मत करना, अपनी लाइफ को ना चेंज करना। क्योंकि अगर अभी भी नहीं जागोगे ना तो सच बता रही हूं आप कभी भी नहीं जाग सकते, क्योंकि हमारी लाइफ में इस टाइम सेवा का, सिमरन का, सत्संग का इम्पोर्टेंस होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें नहीं पता हमारा वक्त कितना है, हम वो घड़ियां अपनी वेस्ट करते हैं, डेली की घड़ियां हम वेस्ट करते हैं। सच में एक छोटे छोटे शब्दों के साथ जुड़ना शुरू करो। और मैं पता क्या करती थी, मुझसे लोग पूछते हैं कि आप अगर आजकल गुरुजी मुझे जल्दी उठा रहे हैं, मेरे मालिक का शुक्राना, मुझसे मेडिटेशन करा रहे हैं, बहुत शुक्राना, क्योंकि ना सबकी नेगेटिविटी सुन सुन के मेरी भी इफेक्ट पड़ता है मेरी लाइफ पे भी, तो मुझे मेडिटेशन इसलिए भी जरूरी है। बीच में कुछ रूटीन मम्मा की वजह से थोड़ा सा अपडाउन हो गया था, बट आई एम बैक गुरुजी महाराज की कृपा से। इन्हीं को बोलती हूँ गुरुजी आप उठा देना, वो उठा देते हैं, तो इट मीन्स गुरुजी चाहते हैं कि मैं सुबह उठ के मेडिटेशन करूं, मेरे रब जी का शुक्राना। मैं इन्हीं को बोलती हूँ आपकी मर्जी, अगर सोती रहेगी तो आपकी मर्जी, उठा दिया तो आपकी मर्जी। तो अपने आप को ना टोटल सरेंडर कर दो कि जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, जो नहीं हो रहा बहुत अच्छा है। अच्छा, वो एक होता ना हुक्मनामा, पहले एक बार गुरुजी ने मुझे गुरुद्वारे भेजना शुरू किया था, कोई 2 साल पहले की बात है,
तो सुबह जाके जो भी मेरे मन में चल रहा होता था वहां गुरुद्वारे का हुक्मनामा बोलते हैं, जो उस दिन का एक गुरु की दो लाइनें और उसकी व्याख्या वहां बोर्ड पे लिखी जाती है। अब आजकल गुरुद्वारे बंद हैं लॉकडाउन की वजह से, मंदिर बहुत ज्यादा लोग नहीं जा रहे, तो मैं क्या करती थी, जब मैं गुरुद्वारे नहीं जा पाती थी ना, मैं सुबह जो अपना फोल्डर निकालती हूँ म्यूजिक का, उसमें ना मैं रैंडमली क्लिक करती थी कि गुरु जी आज आप मुझसे क्या कहना चाहते हो, मुझे वो मैसेज दो। तो मैं उस पर रैंडमली क्लिक करती थी और वो भजन चलता था और एक्यूरेट मुझे लगता था मेरी जिंदगी का, वो पर डे का मुझे मैसेज मिलता था। तो आपको नहीं पता आपकी लाइफ में किस माध्यम से आपको भी मैसेजेस मिल रहे होंगे, मेरे थ्रू, किसी और संगत के थ्रू, किसी और मैसेज के थ्रू। तो कोशिश करो अपने आप को जोड़ के रखो और वो भी इनको ही सरेंडर कर दो कि गुरु जी अब वहां पकड़ी है ना तो तोड़ निभाना, ये नहीं कि बीच में छोड़ देना, ये भी हमें सरेंडर करोगे तो ही ब्लेसिंग्स फील होंगी, अदरवाइज वो भी फील नहीं होंगी। बहुत सारे लोग कहते हैं ब्लेसिंग्स मिलती कहाँ है, अब मिलती कहाँ है अगर आप आंखों से देख सकते हो, आंखों से देखने के बाद आप अपने आप को महसूस कर सकते हो, दिमाग से सोच सकते हो, आपके हाथ चल रहे हैं, आपके पैर चल रहे हैं, आपको ऑक्सीजन मिल रही है, आपके हर बॉडी पार्ट को अगर आप एक्टिव समझते हो, ठीक समझते हो, तो माय डियर फ्रेंड आप ब्लेस्ड हो। अगर आपको अभी भी लगता है कि ब्लेसिंग्स कहाँ मिलती है, तो कोई ये राशन की दुकान पे तो मिलेंगी नहीं जो आप और मैं जाके परचेज कर लेंगे, इसी को ब्लेसिंग्स बोलते हैं। हमारे घर में वो हर सुख और आराम जो हमें मिला, हम अपने बच्चों को क्यों नहीं सिखाते, बेटा आपको पानी मिल रहा है, आप कितने कंफर्ट जोन में हो, आपको हर वो बुक्स मिल रही हैं, उनकी रिस्पेक्ट करने सीखो। और बहुत बार होता है जो हम करते हैं ना वो हमारे बच्चे करते हैं। हम अगर सेवा से जुड़ते हैं, हम अभी तो चलो लॉकडाउन का फेज है, बहुत ज्यादा बच्चों को इन्वॉल्व नहीं कर सकते, घर से ही बैठ के जितना भी कर पा रहे हो बच्चों को, लेकिन समझाओ कि बेटा शेयरिंग मस्ट होती है, बिकॉज गिविंग इज गेटिंग, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। आप किसी भी बुक में जाके देख लेना, गूगल पे जाके देख लेना, गिविंग इज गेटिंग। जब तक आप किसी को दोगे नहीं आपके पास लौट के आएगा नहीं, आपको इस बात का सोचना बहुत जरूरी है। आपको जो भी चाहिए, आपको ब्लेसिंग्स चाहिए आप ब्लेसिंग देना शुरू करो, आपको प्यार चाहिए आप प्यार देना शुरू करो, आपको जो भी रिक्वायरमेंट, जो भी अपनी कमी लगती है लाइफ में, अगर आपको लगता है सामने वाला मुझे कहीं पे भी वैल्यू नहीं कर रहा, तो वो वैल्यू उसको भी चाहिए। तो जो भी आप दोगे मल्टीप्लाई बाय होके 3 आपके पास जरूर आएगा। और एक मैसेज जो मैं जरूर चाहूंगी कि अगर आप में से आज मेडिटेशन में कोई बड़े मंदिर जाना चाहता है तो प्लीज मुझे मैसेज करिए मी, ये बहुत जरूरी है मुझे जानना, क्योंकि आज गुरुजी महाराज का हुक्म हो रहा था बड़े मंदिर जाने का और मन भी बहुत उदास हो रहा था, शुक्राना करने का मन कर रहा था। मुझे वैसे किसी के मैसेजेस नहीं दिख रहे, सिर्फ वॉचिंग दिख रही है मुझे, और मुझे कुछ दिख नहीं रहा। आंचल सौरभ डुरेजा अभी लिखा हुआ आया है, मैं जय गुरु जी लिख रही हूँ ताकि कुछ अगर स्टक हुआ हो तो वो खुल जाए जी। तो आप में से अगर जाना चाहते हैं गुरुजी महाराज के मंदिर मेडिटेशन में, तो 5 बजे का सेशन रहेगा दूसरे ग्रुप में, सिमरन गुरुजी का सिमरन, यस गुरुजी का सिमरन फेसबुक पे ही है ग्रुप हमारा, नीलम आंटी का नाम से एडमिन है वो, और हमारा 5 से 6 वीरवार है आज, तो मेरा उसमें होता है। तो आंटी ने कल यही मुझे फोन करके बोला कि आंटी आज बड़े मंदिर घुमा लो, बहुत दिन हो गए हम लोग जा नहीं पा रहे लॉकडाउन की वजह से, तो आज सब संगत गुरुजी महाराज की बड़े मंदिर जाना चाहती है तो आप मुझे 5 बजे उस पेज पे ज्वाइन कीजिएगा, ग्रुप है सॉरी पेज नहीं है, तो गुरुजी का सिमरन में 5 बजे आप लाइव ज्वाइन कीजिएगा। तो हम लोग गुरुजी के मंदिर होके आएंगे और डेफिनेटली वो ब्लेसिंग्स को फील करेंगे, कोशिश करेंगे गुरुजी महाराज आज हमें लंगर प्रसाद भी खिलाएं और हमें जल प्रसाद भी खिलाएं और हम उन ब्लेसिंग्स को अपने अंदर तक फील कर सके। कहते ना वो जादू की जप्फी, हमने पिछली बार भी इसी ग्रुप में की थी मेडिटेशन फ्राइडे के दिन और बीच बीच में हमेशा चलती रहती है, और संडे के दिन 12:30 बजे मेरे ही पेज पे सुधा बब्बर द पावरफुल सोल उसके ऊपर मेडिटेशन होती है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट संडे हम लोग जो भी निकल गया उसमें हम वृंदावन गए थे, अभी जो आने वाला कमिंग संडे है उसमें हम वैष्णो देवी जा रहे हैं, आप भी जय माता दी करने आ सकते हैं जरूर ग्रुप में। और कल का पार्ट जो रहेगा मेरा सेवा से रिलेटेड, वो भी मैं मॉर्निंग में जब डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होगी, क्योंकि वो ब्लेसिंग्स हमें फील करानी बहुत जरूरी है, वो सेवा मल्टीप्लाई दिखनी जरूरी है ताकि और भी लोग इंस्पायर हो सके, तो वो सेवा मेरे पेज से ही आप देख सकते हैं SUDDHABBAR, तो वो सेवा वहां आप देखेगा कि कैसे हो रही है और क्या गुरुजी महाराज करा रहे हैं वो मुझे भी नहीं पता। तो हम उस पेज पे मिल सकते हैं अराउंड 9 बजे के बाद, शायद 9, 9:30, मुझे नहीं पता क्या टाइमिंग रहेगा। तो कोशिश रहेगी कि सबसे पहले मैं आके मिलूं आपसे, गुरुजी की अरदास करें हम लोग, और फिर हम अपनी जो भी सेवा का पार्ट है, आप सबने सहयोग किया, इस टाइम हम लोग मिल नहीं सकते तो डेफिनेटली हम लोग मिलेंगे। सोनल आंटी मैं कोशिश करूंगी, मुंबई मंदिर मैंने एक्चुअली देखा नहीं हुआ,
बट मन की आंखों से गुरुजी दिखाएंगे तो मैं जरूर जाऊंगी। और आप सब मिलिए मुझे 5 बजे आके गुरुजी का सिमरन ग्रुप में। अगर आपके अब कुछ क्वेश्चंस हैं, मुझे मैसेजेस दिखने शुरू हो गए, आप प्लीज भेजिए मुझे और कोशिश करेंगे कि हम आगे बढ़े। और 3:30 बजे की मुझे भी वेट रहती है और मैं भी यही सोचती हूँ कि गुरुजी कब 3:30 बजे। नेहा आंटी थैंक यू सो मच। आप सब ना ब्लेसिंग्स को फील करो, कहीं ढूंढो नहीं, अरे ब्लेसिंग ये होती है, ब्लेसिंग वो, ब्लेसिंग आपके अंदर है, आपके अंदर भगवान है, आप कहीं बाहर आउटर वर्ल्ड में मत ढूंढो, अपने अंदर झांक के देखो, सब कुछ अंदर है, हम ना अपने मन को ही देते हैं। आंटी यू आर सो इंस्पायरिंग, बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। ओके, शुक्राना मेरे रब जी का जो उन्होंने मुझे सिखाया, मैं कुछ भी नहीं हूं। आज पवन अंकल्स के वहां से लाइव दर्शन करवाए, मेरे को भी दर्शन करें, मुझे आइडिया नहीं है कौन है पवन अंकल। केसर चंदन का तिलक लगाना होता है, हाँ लगा सकते हैं। गुरुजी का सिमरन ग्रुप ज्वाइन नहीं होता है। नेहा आंटी आप कोशिश करिएगा, हो जाएगा, मैं लिंक भेज दूंगी। आंटी अगर आप हैं नीलम आंटी तो प्लीज आप लिंक शेयर कर दीजिए। आंटी मम्मा कैसी हैं अब? आंटी सच बताऊं तो मम्मा 50-50 सिचुएशन में है अभी। आंटी अंडरस्टैंडिंग वाला टॉपिक लेना, ओके कौन सी अंडरस्टैंडिंग, सॉरी मुझे दोबारा भेजो। आंटी रियल में जाओगे आप 5 बजे? आंटी हम लोग मेडिटेशन में जाते हैं, हम अपने मन को लेके जाते हैं, आंखें मैं बंद करवा देती हूँ, हम आंखें बंद करके मेडिटेशन में जाते हैं जी। आपके प्रेयर से और गुरुजी की ब्लेसिंग से मेरी मॉम ठीक है, मेरे रब जी का शुक्राना। बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत संगत ठीक हो रही है। आंटी आजकल डेली ब्लेसिंग्स नहीं आ रहा। सिमी आंटी जो मेरा ग्रुप है सुधा बब्बर द पावरफुल सोल के नाम से, ब्लेसिंग मैसेज मैं उसी में डाल रही हूँ क्योंकि मेरा फोन स्टक हो चुका है, आई एम नॉट एबल टू सेंड व्हाट्सएप मैसेजेस, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, लेकिन आप वो ग्रुप ज्वाइन कीजिए, मैं ग्रुप में ही मैसेजेस कर रही हूँ। आजकल मुझे गुरुजी के भजन सुनने का मन करता है इन दिस ब्लेसिंग, ओके गुड। आंटी हाउ इज योर मदर इन लॉ? मदर इन लॉ थोड़ा 50-50 मोड पे है अभी, डॉक्टर कह रहे हैं कि पैच 19-20 फर्क है, लेकिन अभी वो कुछ नहीं खा पा रही, ऑक्सीजन के बिना भी रुक नहीं पा रही, सो शी नीड्स टाइम आई थिंक। आज 9वां दिन हो चुका है उनका और बस ऊपर रब जी को पता है कितनी सांसें कैसे, हमें नहीं पता। केसर चंदन का तिलक क्यों लगाते हैं, क्या होता है? देखो आंटी गुरु जी को पसंद है केसर का और चंदन का तिलक, ठंडा होता है और गुरु जी को यही लगता है, रोली का तिलक नहीं लगता। आंटी जी आजकल मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, प्लीज ये डिप्रेशन वगैरह पंकज अंकल कुछ नहीं होता, आप डिप्रेशन बोल बोल के डिप्रेस हो जाएंगे। जो भी है आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं कोशिश करूंगी आपको उस डिप्रेशन से निकालने की। गुरु जी आपकी मम्मी को ठीक कर देंगे। देखो मैं नहीं बोलती, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं कहती हूँ गुरु जी आप ब्लेस करो, क्योंकि हम कहते हैं कि ठीक कर देंगे, एक तो एज फैक्टर, दूसरा रिकवरी मोड अभी बहुत स्लो है, फिर उसके बाद उनकी बॉडी में अभी अंदर कुछ जा नहीं रहा होता ना, हम अपने रिश्तों से बांधे रखते हैं और उसके बाद फिर वो सामने वाला भी परेशान होता है। तो मैं गुरुजी को यही कह रही थी, गुरुजी आपको पता है जिंदगी और मृत्यु दोनों एक ब्लेसिंग है, आप क्या देते हो आपको पता है, हम सबने जाना है। और आज भी कुछ बात हो रही थी, कोई बोल रहा था कि हमें तो बहुत डर लगता है, तो मैंने कहा डर किस बात का, आज मुझे पता है कि मुझे डर नहीं लगता क्योंकि फेथ हैज नो फियर। अगर आपको विश्वास है तो आपको डर नहीं लगना चाहिए। कौन से पेजेस पर है मुझे नहीं समझ आया सुदेश जी, प्लीज दोबारा भेजिए। आंटी जी आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो, सिंपल स्वीट, ओके जय गुरु जी। आपको सबको मैं रोज ही स्वीट लगती हूँ, रोज आप मेरी तारीफ करते हो, पर तारीफ उस खुदा की जिसने मुझे बनाया। आंटी आई गॉट अ चांस टू गो बड़े मंदिर ऑन February 2nd। ओके आप हम फिर बार बार जाएंगे, आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, थोड़ा सा हम इसको टॉपिक को कल लेंगे, मुझे आप कल याद दिलाइएगा। और कल है फ्राइडे, ओके कल पूरा दिन मेरा, कल हम ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे डेफिनेटली 2 घंटे, पर आधे घंटे का ना एक बीच में हम सत्संग जरूर करेंगे क्योंकि बहुत टाइम से मेरा मन करा था। और नहीं रोली का तिलक नहीं लगता गुरुजी को, फूलों की माला नहीं चढ़ती गुरुजी को, ही इज अलाइव विद अस। आजकल मैं सैड फील कर रही हूँ और गुरुजी के सत्संग में भी नहीं सुन पा रही थी, टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो साक्षी आंटी कोई बात नहीं, आप जो घर में अपने किचन में काम कर रहे हो भजन चला दो, सच बताऊं फिल्मी गाने चला लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है कि हम भजन चलाएं, आप फिल्मी सॉन्ग चलाओ और गुरुजी के साथ एंजॉय करो, मैं तो वो भी करती हूँ। आंटी डायरेक्ट कनेक्शन कैसे होता है प्लीज बताइए? डायरेक्ट कनेक्शन ऐसे होता है कि आप जो भी बात करनी है गुरुजी से करिए। आंटी जी सेवा कैसे कर सकते हैं? आंटी इस टाइम लॉकडाउन के टाइम पे तो हम सिर्फ यही बोल रहे हैं सबको कि आप पेटीएम ही करिए या अकाउंट ट्रांसफर करिए, उसके लिए मुझे डिटेल भेज सकते हैं, मतलब कि किस पे भेजनी है, बाकी पेटीएम नंबर मेरा यही है जो अभी भेजा था।
और इस टाइम सिर्फ इसी मोड से हम लोग सेवा कर पा रहे हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बच्चे सेवा करते हैं। इट्स नॉट अ सेफ टाइम कि मैं उनको घर से बुलाऊं और सेवा कराऊं, मैं उनको रिस्क लेवल पे नहीं डाल सकती, क्योंकि वो स्थिति मेरे बच्चे हैं, गुरुजी के बच्चे हैं और बहुत प्यार करते हैं मुझे, डांट भी खाते हैं। और मैं सच बताऊं, मैं सबको बहुत मिस कर रही हूं। बहुत सारे मेरे बच्चे हैं, मैं इनको मिलवाऊंगी आपसे किसी दिन, और आप खुद कहोगे दे आर दो, मतलब आप मेरे फेसबुक पे जाके देखना, शायद मैंने कभी कभी बीच में मिलवाया भी हो। हर एज ग्रुप के हैं, 8, 10, 12, 15, 18, कोई 10th में, कोई 7th में, कोई कॉलेज में, ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे बच्चे हैं और मैं सबको मिस करती हूँ। और बहुत दुआएं मेरे मन से निकलती हैं, ये बच्चे मुझे कुछ भी काम नहीं करने देते, लाओ हम कर दें, ऐसे करके मेरे हाथ से सेवा छीनते हैं। नहीं तो होता ना, हम बच्चों से एक गिलास पानी भी नहीं मांग सकते। तो मैं गुरुजी को ये कहती हूँ, गुरुजी ऐसा क्या इन बच्चों के अंदर आपने डाला। और सच बताऊं, मैं डांटती भी उनको बहुत हूं, क्योंकि बच्चे ही तो हैं। कई भी तो आंटी हमारे यहाँ कोई सेवा करने नहीं आ पाती थी सुबह सुबह, तो बच्चे बेचारे प्याज भी काट रहे होते थे। तो मेरे मन में यही आता था, मैं कहा गुरुजी पता नहीं कितने कर्म आपने उनको कटवाए। आंटी जी कल 7 डेट है। बिल्कुल मीनू आंटी, मुझे ऐसे लगता है 7 तारीख को मेरे घर में शादी है। इतना उत्साह मुझे होता है और मेरे रब की मेहर, बहुत सेवा महाराज मुझे बख्शते हैं, शुक्राना इनका। जय गुरुजी। आंटी मेरे बेटा 4 इयर्स का है, बोलता कम है, एक वर्ड बोलता है, मुझे ऊपर चला गया। आंटी सेंड पेटीएम नंबर, कोई भी भेज देगा, प्लीज आप मेरा नाम लिख के नंबर व्हाट्सएप कर दीजिए। आंटी मेरे पापा के लिए अरदास करें, उन्हें कोविड की वजह से आईसीयू में है। आंटी सबको बस यही बोलो, महाराज ब्लेस करें, हमें नहीं पता जीवन मृत्यु जो भी महाराज देते हैं, हमें नहीं पता। हम ना अपने रिश्तों को कभी भी खोना नहीं चाहते, एक्चुअली सच है। जब मेरे पापा 16 दिन के एडमिट थे, ये बात है 2011 की, तो मेरे पापा मेरी जान अभी भी है मेरे साथ, और हम उस टाइम भी थे। ही इज द ओनली वन पर्सन मेरी लाइफ में जिनसे मैं हमेशा इंस्पायर रही, ही इज माई ट्रू फ्रेंड कह सकते हो, जिनसे मैं अपने हर मन की बात करती थी। और 16 दिन जब हमने उनको कोमा में देख लिया था, तो उस टाइम हमारी हालत हिल चुकी थी। हम भाई बहन कोनों में घुस घुस के रोते थे कि मम्मी ना देखे, मम्मी डिप्रेस ना हो उनकी हालत देखे, क्योंकि मेरे मम्मी और पापा की जस्ट बागवान वाली स्टोरी। बट उस टाइम पे भी हमें लगता था, डॉक्टर कह रहा था कि हम कुछ नहीं कर पा रहे, नाउ यू हैव टू टेक हिम एट होम, और हमने आईसीयू और वो सब सिस्टम शुरू कर दिया। बट हमें एक ही चीज लग रही थी कि उनको जिंदा लाश देख के मम्मा नहीं रह पाएंगी। हमें पता था उनको छोटे बच्चे की तरह वो मतलब केयर करते थे, क्योंकि 1.25 साल उनका रहा जो डायलिसिस वगैरह होते थे उनके। तो उस टाइम पे मुझे यही लगा कि 1.25 साल उन्होंने सेवा की, छोटे बच्चे की तरह, जैसे भेजते ना स्कूल। हम हंसते भी थे मम्मी को कि आप स्कूल भेजते हो ना मम्मी, पापा को कंघी करना, पाउडर लगाना, कपड़े बदलना। शी इज अ वेरी यंग केयरिंग मदर, केयरिंग वाइफ, और वो सब चीजें होती थी। बट ना हम अपनों को ना तकलीफ में नहीं देख सकते। तो उस टाइम पे भी हमने यही बोला, मैंने तब तो गुरुजी से मैं नहीं जुड़ी हुई थी, तो तब भी यही बोलते थे कि हम इनको तकलीफ में नहीं देख सकते, इससे तो रब तू अपनी गोद में ले ले। हम सच में बोलती थी, मैं बोलती थी बल्कि, आई वॉज द फर्स्ट टू एक्सेप्ट दिस ट्रूथ, क्योंकि हम ना अपने अपनों को तकलीफ में नहीं देख सकते कि रोज तिल तिल करके जाना, तो क्या बोलूं, सच है, हकीकत है ये। हमारे गुरुजी महाराज ने चोला छोड़ा, हमारे हर भगवान ने चोला छोड़ा, तो हमारी क्या औकात है, हमने भी जाना है। तो कहने का मतलब कि मत प्रेयर करो कि उनको जीवन दें, पता नहीं उनके जाने में ही शायद भलाई होगी। और इसीलिए शायद भगवान ने ना हमेशा बर्थ डेट के साथ उनकी डेथ डेट अपने पास रखी। हमें नहीं पता कि हम क्या कर सकते हैं। घर पर 1 घंटे का सत्संग कर सकते हैं। आंटी आप 1 घंटे का करो, 15 मिनट का करो, आधे घंटे का करो, कितना भी करो, बस करो। पेटीएम नंबर आंटी, अभी जो मेरा मोबाइल नंबर शेयर हुआ है वही है मेरा पेटीएम नंबर। और गुरुजी महाराज बस आप संगत के सहयोग से बहुत बड़े बड़े काम करा रहे हैं, आप सब उस सेवा का पार्ट बन रहे हो, बूंद बूंद। मतलब किसी एक संगत ने पता मुझे 101 रुपए भी भेजे, और मुझे इतनी खुशी हुई। मैंने कहा गुरुजी, मतलब उन्होंने ये नहीं सोचना कि कितने हैं, वो मैटर नहीं करता, वो तो जिसको रब ने ज्यादा दिया वो ज्यादा देगा, कम दिया तो कम। लेकिन उन्होंने एक स्टेप आउट किया, एक सेवा में अपना पार्ट लेने की कोशिश करी, एक सेवा में कहते हैं बूंद डालने की कोशिश करी, और वो सेवा ही वहां मल्टीप्लाई होती है। कल ड्रीम में गुरुजी ने रेड कपड़ा दिया और एक ब्यूटीफुल ग्लास दिया और उसमें जल प्रसाद पिया। ये ड्रीम बड़े मंदिर का। बहुत बहुत शुक्राना रूबी आंटी, आपको ब्लेस कर दिया महाराज ने। बस ऐसे ही ब्लेसिंग्स वो सबको फैलाते रहे, सबको देते रहे, सबके घर में खुशियां रहे, आप ठीक ठाक रहो, सेफ रहो, थोड़ा सा भी घर के अंदर रहो, किसी भी हाल में, सुख में या दुख में। परसों चौथ मुझे कौन कह रहा था, हमारे पता नहीं किसी रिलेटिव की शादी है जी, हमने वहां जाना है। उनको मैंने डांट लगाई, बल्कि मैं कहा तुम जैसे ही लोग हैं जो इस टाइम कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, तुम्हें नहीं पता इतना वायरस है, उनकी मम्मा को अस्थमा है। बल्कि मैंने कहा आपको ये नहीं पता कि मम्मा को अस्थमा है, फिर उनको ले लेके कहां घूमोगे। तो हमें इस टाइम शादी और
और मतलब कहता है कि इस टाइम डेथ मत देखो, जो जाने वाला बेचारा चला गया गुरुजी महाराज उनकी आत्मा को शांति दे। जरूरी नहीं कि आप उनके घर जाके अफसोस करोगे तभी अफसोस होगा। आजकल सब चीजें टेलीफोनिक है, सब कुछ डिजिटल है, आप वीडियो कॉल पे बात करिए। अगर आपके बहुत क्लोज रिलेशन है प्लीज मत जाइए, प्लीज। मेरे आगे ये भी उन्होंने क्वेश्चन डाला था कि उनके सगे जेठ थे, हमारा जाना जरूरी है। मैं कहा देखो इस टाइम कोई रिलेशन मत देखो, चाहे हम दूर होके भी पास हो सकते हैं, आप कॉल पे बात कर लीजिए। सब कुछ जूम पे हो गया था कोऑर्डिनेट, और क्यों ना हम उसके साथ कनेक्ट हो, क्योंकि अपनी फैमिली को सेव करना भी बहुत जरूरी है। अपने बच्चों के बारे में भी सोचना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेम विद मी। अगर आज गुरुजी मुझे सेवा में भी दे रहे हैं, भेज रहे हैं, तो कहते ना वो एक वॉरियर बना के कि पूरा मुझे अपने आप को पैक करना है। बारिश होने वाली है, मालिक सबको ब्लेस करे। शुक्राना मेरे मन में भी यही चल रहा था, जिस दिन गुरुजी बारिश का मौसम करते ना मैं कहती हूँ गुरुजी मेरा दम ही बरसा रहे हो, बरसाते रहना। तो वो मेरे मन में रहता है। और बल्कि कल किसी का फोन भी आया, कुछ पंजाबी में शायद मैंने बोला था, हाँ जय गुरुजी बोल सारे बुए खोल। तो उन्होंने पूछा वो क्या होता है, तो बुए मतलब होता है दरवाजा। और जय गुरुजी मुझे भी सेवंथ में क्या है, ओके आंटी हर सेवंथ को गुरुजी महाराज 4 साल से हमें लंगर सेवा बख्श रहे हैं, और उसमें हम लोग तन मन धन से किसी को भी बोलते हैं आप शेयर कर सकते हैं जैसे भी आपकी मर्जी हो। लेकिन इस टाइम ड्यू टू कोविड सिर्फ एक रिस्ट्रिक्शन है कि आप पेटीएम या अकाउंट ट्रांसफर ही कर सकते हो, क्योंकि हमारे आसपास की भी संगत है, हमने सबको मना कर दिया है, क्योंकि कोविड की वजह से सब सेफ होने चाहिए, सोशल ट्रांजेक्शन हमें बंद करनी है। और मैंने अपने स्टेटस के ऊपर ये भी लगा रखा है कि अगर आपको लगता है कहीं पे कुरियर करवाना है या कहीं पे किसी को राशन की जरूरत है तो आप उसका नंबर भी कोऑर्डिनेट करें। इवन हमने आईडी प्रूफ पे डाला है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन नहीं हो, एक घर में तो 4 चले जाएं और एक घर में एक भी ना हो वो गलत है। तो बहुत अच्छी सुंदर सी गुरुजी महाराज ने आप सबकी मिलजुल के एक कृपा करके वो बनाई है, किट बनाई है, जिसमें 5 kg उसका आटा है और चीनी है, चावल है, साथ में ब्रेड है बड़ी वाली, और दलिया है, नमक है, मिर्च है, हल्दी है, ऑयल है, रिफाइंड है, मतलब बहुत ही कितना सफिशियंट हो राशन की किट बनवा दिए गुरुजी महाराज की कृपा से, कि एटलीस्ट उसके कुछ 15-20 दिन चले। बिस्किट्स हैं साथ में बच्चों के लिए, तो बहुत सारी चीज, क्योंकि कहते ना वो इतना खुल्ला सब चीजें भेज रहे हैं। आंटी मुझे बहुत अच्छी गुरुजी की ड्रीम आई है, ओके गुड, अच्छी बात है, ड्रीम्स आ रही है, गुरुजी सब पर रहमत करे अपनी। आंटी एसी अकाउंट नंबर दे दो, वो आपको मुझे मैसेज करना पड़ेगा, वो मेरे डिटेल्स उसके ऊपर है, मैं अभी यहाँ नहीं शेयर कर पाऊंगी, मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं उस पर अकाउंट नंबर दे दूंगी। तो आपको जो भी बूंद बूंद घड़ा भर रहा है, कोई कंडीशन नहीं है, आप इधर मेरे को भेजें ये भी जरूरी नहीं है। आप लोग अगर खुद सेवा करना चाहते हो आप मेरे से सामान लेके भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। अगर आपकी नगर में कोई निगाह में कोई ऐसा है जिसको सेवा की जरूरत है आप उसके लिए भी कुछ अरेंजमेंट ले सकते हो। ये बिल्कुल ओपन सेवा है, कुछ मेरा नहीं, कुछ आपका नहीं है, गुरुजी महाराज का, और हमें मिलके करना है। हो सकता है आपके आसपास बहुत सारी ऐसी संगत हो जिसको जरूरत हो, आया था मेरे पास फोन भी तो उनको मैंने कोऑर्डिनेट किया। तो बहुत जरूरत है एक दूसरे की, इस टाइम हाथ पकड़े हुए महाराज खड़े हैं सबका, और अब किसी ना किसी रूप में आ जाता है, तो आप भी वो रूप बनिए। आंटी हर मंथ पेमेंट पेटीएम कर सकते हैं, बिल्कुल आंटी ये हर महीने ही होता है। बहुत सारी संगत जो मेरे साथ 4 साल से भी जुड़ी हुई है, कोई 2 साल से, 1 साल से, बस वो एक बार थोड़ा सा रिकन्फर्म कर लेना, एक बार बीच में मेरा पेटीएम अटक गया था, तो आप भेजने से पहले मुझे कंफर्मेशन जरूर मैसेज कीजिए कि पेटीएम कर दूं। तो ये हर सेवंथ को होता है, एक के बाद सेवा शुरू हो जाती है, बट एक से पहले नहीं करना, थोड़ा सा मुझे फिर मैनेज करने में दिक्कत होती है। आप फर्स्ट की बात करते हैं, मैं फर्स्ट तक फिर पेटीएम को बिल्कुल क्लोज कर देती हूँ, तो वो बिल्कुल सेवा वाला मामला चलता है, क्योंकि ये ना आप तो दे देते हो, मेरे पे भार चढ़ जाता है, तो मुझे भी उस चीज को थोड़ा सा ट्रैक में डालना पड़ता है, और इसीलिए मैंने सेवा का अकाउंट भी बिल्कुल अलग करा हुआ था कि वो चीजें मैसअप ना हो। तो थोड़ा सा चीजें हैं सेवा में चल रही हैं, क्योंकि आपने दे दिया वो मुझ पर, वो मेरे ऊपर है, मैं उसको यूज करूं क्या करूं वो मेरे ऊपर भार चढ़ जाता है, तो मुझे उसका भी देखना है। आंटी फोन पर पे कर सकते हैं क्या? आंटी मेरे पास फोन पे नहीं है, और फोन चेंज होने की वजह से बल्कि अभी मेरी बैंकिंग भी नहीं चल रही, तो आई मैनेज, हो सकता है 1-2 दिन में हो जाए। 7 जुलाई को तो वंडरफुल डे होता है आंटी, और 7 जुलाई को हमारे यहाँ ऐसे होता है जैसे हमारे गुरु जी का बर्थडे, मतलब ऐसे मनाया जाता है जो वाओ फीलिंग देता है बहुत ज्यादा, पूरा मेरा घर भरा होता है चीजों से, और अलग अलग ब्रांचेस में सब लोग गाड़ियां ले लेके जा रहे होते हैं, हर गरीब बच्चों तक पहुंचा रहे होते हैं पनीर की सब्जी और पता नहीं क्या क्या गुरुजी बनवाते हैं। जैसे महाराज का हम बर्थडे मना रहे हैं, मीठा होता है, बहुत कुछ ऐसा होता है, शादी काइंड ऑफ थिंग। तो बहुत सारी संगत इस टाइम, तो समझ लो जुलाई, पिछली बार भी जुलाई में यही हुआ था,
खुल के बिल्कुल कहते ना, कहीं भी कोई कंजूसी नहीं होती, जिसको जो चाहिए बस ले जा। उस देने वाले ने ना वाकई कोई कमी नहीं करी, तो हम क्यों भी क्यों करें। आंटी जी आज कर दें, क्या करना आंटी? सुरभि जी मुझे बताइए क्या करना चाह रहे हैं हम। आंटी आपका पेज बहुत कम खुलता है, ओके विच पेज मैं ट्राई करती हूँ एक बारी। देखो सर्वत का भला वाला जो 12 बजे वाला है वो तो कई बारी थोड़ी सी दिक्कत आती है, मेरे यहाँ नेटवर्क नहीं होते, तो आप एक दिन पहले वाला ले लिया करो। एक आंटी तो मुझे फोन करके कहती है आंटी आप आओ ना हो पिछला देख लेते, लेकिन हम करते जरूर है। आंटी आप बहुत प्यारी सोल हो, आपकी बातें सुनकर दिल को सुकून मिलता है। आंटी बस कोशिश ये कि आप भी मेरे जैसा बन जाओ, क्योंकि गुरुजी ने मुझे ऐसे ही बनाया। भजन सुना दो, अरे यार मम्मी भी बोलती है भजन सुना दो, पर मैं इतनी गुड सिंगर नहीं हूं, मैं क्या बोलूं। फिर भी मैं निराश नहीं करूंगी, कोशिश करूंगी एक लाइन जरूर सुनाऊं। आंटी आप बहुत प्योर सोल हो, आपकी बातें सुनकर दिल को, हाँ तो मैंने अभी बताया ना प्योर सोल इन्होंने बनाया है, इनकी ही रहमत है। आप अपनी मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाए, जय गुरुजी। आंटी मत बोलो, गुरुजी को सब पता है, बस ये बोल दो गुरुजी आपके बच्चे हैं आप संभालो, वो सच में अपने आप संभालते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव सब उन पे छोड़ दो, मत क्वेश्चन आंसर में पढ़ो कि ये मत करो वो मत करो, बाद में फिर लोग कहते जी हमारी तो गुरुजी ने सुनी नहीं, मत करो उनको सब पता है। आंटी आज पेटीएम कर दे, हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं। चारों पासे सुख हो, हाँ बिल्कुल चारों पासे सुख हो। खीर का भोग लगा सकते हैं, उसमें भी चावल नहीं, खीर गुरुजी को बहुत पसंद है, आप खीर का भोग लगा सकते हैं। बिल्कुल आप पेटीएम कर सकते हैं मेरे नंबर पे, नंबर कोई प्लीज दोबारा रीसेंड कर दीजिए। आंटी मैंने कल आपके फोन पर ही पेटीएम, हाँ बहुत सारे पेटीएम आंटी आए हुए हैं, मैं सच बताऊं मैं ट्रैक भी नहीं कर पा रही, वो रब को पता है रब जाने, मैं तो हिसाब किताब रख ही नहीं पाती हूँ इसीलिए, क्योंकि मैं अकेली जानू अभी। कल भी सारा राशन बुक करवाना था, सब चीजें मतलब कॉलिंग हो रही है, फिर जैसे हम अपनी चीजों को एक सेविंग मोड पे लगते हैं, आजकल लोगों ने लूट बाजारी बहुत मचा रखी है। मेरी कोशिश होती है मैं डायरेक्ट होलसेलर से लूं, क्योंकि बहुत सारी चीजें समझ लो कितना 350-400 किलो तो आटा ही आ गया होगा, तो कोशिश होती है। क्या मेरी आवाज नहीं आ रही? मैसेज आया भावना जी का कि मेरी आवाज नहीं आ रही, तो उसमें भी यही था कि थोड़ा सा भी अगर कुछ कॉस्ट कटिंग होती तो हम उसमें और ज्यादा चीजें बढ़ा सकें, तो इस रीजन से फिर मैं थोड़ा सा इधर फोन उधर फोन उधर फोन, बस टेलीफोन ऑपरेटर मेरे महाराज ने मुझे बना रखा है फिलहाल, इसलिए मैं फोन नहीं अटेंड कर पा रही। आंटी जी पेमेंट की बजाय हम ऐसी ब्लेसिंग्स बने रहें गुरुजी की कृपा से, ओके जय गुरुजी महाराज की कृपा है। सर्वत का भला बिल्कुल बहुत जरूरी है, और संडे भी आ रहा है, और अभी इसके बाद हम 5 बजे मिलेंगे गुरुजी का सिमरन ग्रुप में, जिसमें हम गुरुजी के बड़े मंदिर जा रहे हैं। आप भी अगर जाना चाहते हो महाराज से मिलने उनकी ब्लेसिंग्स लेने, तो डेफिनेटली 5 बजे जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, अगर आपको आवाज आ रही है मेरी, और गुरुजी महाराज के आगे बस यही रहमो भरा हाथ वो रखे, उनके सिमरन से जुड़िए, सेवा से जुड़िए। आंटी आपका सत्संग सुनकर मन में शांति मिलती है, मेरे मालिक का शुक्राना। पेटीएम नंबर आंटी चलो मैं भेज रही हूँ, रुकिए, क्योंकि मुझे लगता है बार बार नंबर भेजने, मुझे ना क्वालिटी टाइम चाहिए होता है, इसलिए शायद मैं थोड़ा सा फास्ट भी बोलती हूँ। बोलने के लिए मेरे पास इतना कुछ होता है कि मुझे लगता है शायद मैं ही भूल जाऊंगी। मेरी बेटी का बर्थडे भी 7 जुलाई, शी इज अ ब्लेस्ड सोल आप कह सकते हो। और हाँ जी बिल्कुल, मेरा नंबर मधु जी ने भेज दिया, थैंक यू सो मच। और आपने किसी ने कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो मुझे भेजिए, क्योंकि टाइम अब ओवर हो गया है और 5 से 10 मिनट आपके बीच में हूं मैं। मेरा भी नंबर ऐड कर दो व्हाट्सएप। आंटी मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, सॉरी बोलूंगी, फेसबुक पे है, उसका लिंक मैंने आपको सबको भेज रखा है, नहीं तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा मैं भेज दूंगी। मैं इस टाइम व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज नहीं भेज पा रही हूँ, इनफैक्ट अगर आप बार बार हाथ जोड़ के माफी मांगूंगी, कोई गुड मॉर्निंग भेज रहा है, कोई सिर्फ गुरुजी की इमेजेस भेज रहा है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज हो तो प्लीज मुझे भेजें, अदरवाइज प्लीज थोड़े दिन मुझे मैसेज ना करें, क्योंकि मेरे हॉस्पिटल की भी ट्रांजेक्शन है, इधर सेवा की भी है, मैं अभी उसको कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रही हूँ, मेरे पास स्टाफ नहीं है, अभी सब लॉकडाउन की वजह से मेरा स्टाफ नहीं आ रहा, तो मैं अकेले उसको संभालने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। आंटी आई एम फ्रॉम मुंबई, रिसेंटली शिफ्ट हुए हैं, आपसे कनेक्ट होना है, महाराज की कृपा आंटी, जोड़ तो वो रहे हैं हम तो। मैं तो सच बताऊं मैं तो कैमरे में भी नहीं आती थी, मुझे कैमरा फोबिया था, मुझे माइक फोबिया था, बिलीव नहीं करेंगे इस बात को। और कई बार ना मैं रात को खुद सत्संग सुनती हूँ ना, जब कभी फ्री होती तो मैं सोचती हूँ गुरुजी ये बातें मैंने बोली कब, मुझे खुद नहीं पता होता ये क्या बुलवाते हैं। आंटी प्लीज अब मैं दूध वाला दोबारा नहीं बोलूंगी, आप दोबारा उसी वीडियो पे जाएंगे और कोऑर्डिनेट करेंगे, मैं नहीं बताऊंगी अब। आंटी गुरुजी की मेहर वर्षा दी है बारिश करके, बिल्कुल आंटी सब पर बारिश हो, मेरे मालिक की रहमत सब पर बरसे, और आप सब 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 खुश रहे। आंटी बच्चों के बारे में हैंडल करना है, ओके थोड़ा सा तुसी ना जाओ प्लीज, आप सब इतने
प्यार प्यार से बोल बोल के मुझे और 10 मिनट रोक लो, मैं अभी नहीं जाना चाहती, मैं वेट करती हूँ 3:30 की। बहुत सारी संगत का मैसेज आता है और मुझे पता है आंटी अंकल सब सुन रहे होते हैं, पूरा फैमिली शो बनवा दिया गुरुजी ने, फैमिली सत्संग। और कितने सारी संगत मुझे मैसेज करती है, मेरे बच्चे भी उठ के आ जाते हैं, अच्छा आंटी ये वो वाली आंटी है, फेसबुक वाली आंटी है, इवन मेरे नोन टू भी अंकल आंटी सब सुनना शुरू हो गए हैं। तो मैं क्या बोलूं, ये तो रब को पता है कौन से मैसेजेस कहां गए। पहले तो वो उठ के अंकल चले जाते थे, उन्होंने एक दो बारी सुन लिया होगा, उनको भी अच्छा लगा, तो वो अंकल भी बैठ के आंटी के पास अब सत्संग सुनते हैं। तो महाराज की कृपा, वो क्या करवा रहे हैं हमें नहीं पता, बस उस रहमो करम के तले ना हम लोग दबे हुए हैं। हम जितनी रहमतें एक दूसरे को फैलाएं ना उतना ही अच्छा है। और क्या बोलूं, फेस्टिवल्स की वर्कशिप हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पीरियड्स में कोई वहम नहीं होता। गुरुजी महाराज को आप भोग लगाइए, चाय पिलाइए, जल प्रसाद लगाइए, गद्दी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। गुरुजी महाराज इन सब चीजों को नहीं मानते। मेहरों की बारिश हो रही है, मेरा तो मी बरसा रहे हैं गुरुजी महाराज। आंटी कौन से पेज पर लाइव होगा आज? ओके, पेज नहीं है आंटी, ग्रुप है गुरुजी का सिमरन। नीलम आंटी अगर आप हैं तो प्लीज ग्रुप का लिंक इस ग्रुप में सेंड कर दीजिए। भजन सुना दो प्लीज, इतनी अच्छी आवाज तो मेरी नहीं है यार, आप पता नहीं क्यों बार बार भजन भजन। मम्मी भी बोल रही थी कि नहीं भजन सुनाया कर, तो कैमरा घुमा देनी है, पता नहीं मैं क्या बोलूं। थोड़ा सा मेरी सिचुएशन ऐसी होती है कि मैं गुरुजी से क्या बोलूं, उनको पता है मैं कहीं नहीं जा रही आंटी। 5 बजे फिर आप मुझे लाइव मिलिएगा और जरूर हम मिलके दोबारा से कुछ करेंगे। रहमतों की बारिश हो रही है मेरे प्रभु जी की, आप उस बारिश को रिसीव कीजिए, उनकी ब्लेसिंग्स को रिसीव करिए। मुझे भी यही लग रहा था, जैसे जैसे बारिश होगी ना गुरु जी वैसे वैसे ऑक्सीजन लेवल बढ़ा देंगे, अंदर से मुझे यही इंट्यूशन हो रही थी और गुरु जी कर ही रहे हैं डेफिनेटली। थैंक यू सो मच अनिता जी, आप सब अच्छे हो, आपको इसीलिए मैं अच्छी दिखती हूँ। कहते ना नजरें भी होनी चाहिए देखने वाली, वो नजरें आपकी हैं। थैंक यू सो मच तन्वी जी, आप सब बहुत प्यारे प्यारे बच्चे गुरु जी के, महाराज का। फिर हम मिलते हैं, गुरुजी के मंदिर जाएंगे आज और गुरुजी से खूब सारी बातें करेंगे, बारिश में भी नहा लेंगे आज तो, मंदिर में बारिश होगी और देखो हम बारिश में नहा रहे हैं। तो जरूर मिलते हैं हम आंटी जी, अभी बड़े मंदिर जा चुकी हूँ आपके लिए, जा रही हूँ, कैसे जाना होगा कुछ बताओ आंटी। हम लोग मेडिटेशन में जाएंगे बड़े मंदिर, हम अपने मन को लेके जाएंगे, आप ज्वाइन करना ग्रुप के अंदर, गुरुजी का सिमरन ग्रुप है, 5 बजे अभी आधे घंटे बाद, और उसमें हम मिलेंगे। जैसे जैसे मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दूंगी आप वैसे वैसे फॉलो करना, आंख बंद करेंगे, अपने मन को हम लेके जाएंगे। वो मन को ही कैसे कंट्रोल करना है, एक्चुअल में मेडिटेशन यही होती है। तो हम धीरे धीरे अपने मन को शांत, डर नहीं लगेगा तो हम गुरुजी महाराज से कनेक्ट हो सकते हैं डेफिनेटली। और वही कोशिश है मेरी छोटी सी, इसीलिए कि आपका मन शांत हो, आप फील करो कि ही इज देयर। ठीक है सुनीता जी, मैं भी आप सबसे मिलना चाहूंगी, शहर शहर गुरुजी मुझे घुमा देंगे, लॉकडाउन खुलने दो, मैं फिरंतु बनने वाली हूँ और हर हर शहर में जाके, हर देश में जाके गुरुजी महाराज मुझसे सत्संग भी शेयर कराएंगे, संगत से भी मिलवाएंगे, मेरे महाराज का शुक्राना है। और कहा मैं सोची थी अप्रैल में मुझे यूके जाना था लंदन बेटी के पास, और गुरुजी ने कहा बैठ जाइए पे, सच में मेडिटेशन करना सिखा दिया, वो मेरे मालिक का शुक्राना है। आप सबकी कोशिश है, क्योंकि सबसे पहले आपको अपना गुरु खुद बनना है। आपने जिस दिन प्रण कर लिया ना कि हाँ मुझे करना है, उस दिन सब कुछ हो जाएगा। Where there is a will, there is a way. हम सोचते नहीं है, हम बहुत जल्दी अपनी बातों को ना छोड़ देते हैं, अरे नहीं हो सकता छोड़ना, अरे शुगर हो गई, बस सारी उम्र दवाइयां खाते रहेंगे। ये कोशिश नहीं करेंगे कि उठ के हम वॉक कर लें। वॉक करने से डॉक्टर हमेशा बोलता है शुगर ठीक हो जाती है, लेकिन एक बड़ी शुगर हो गई और बस कहानी खत्म। उसके बाद तो हमने सोच लिया, हमने यहाँ लर्निंग डाल दी कि भैया शुगर हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो सारी उम्र तुझे खानी ही खानी है। बिल्कुल आप रेडी रहिएगा, 5 बजे मिलेंगे हम लोग गुरुजी का सिमरन ग्रुप में, और हम वहीं मिलके सब आगे चलते हैं। अभी आप टी ब्रेक लीजिए, ठीक है, और चाय लेने के बाद, लव यू टू, मुझे भी आप सबसे प्यार है, और डेफिनेटली हम मिलते हैं अभी आधे घंटे के ब्रेक के बाद। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी।